अच्छा स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, नमस्ते एंड वेलकम। क्या था ना कि जब हम बड़े हो रहे थे तो 90 के दशक में एंटरटेनमेंट के नाम पर हमारे लिए कार्टून नेटवर्क, सुपरमैन, हीमैन, स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज थे। मुझे लगता था जब सिटीजनशिप इंडियन है तो हमारे सुपर हीरोज विदेशी क्यों हैं? यही सवाल शायद मुकेश खन्ना जी के मन में भी आया होगा, इसलिए उन्होंने भारत के पहले देसी सुपर हीरो को जन्म दे दिया। नाम था शक्तिमान। जो 90s किड्स हैं वो जानते हैं कि शक्तिमान सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं था, हमारे लिए इमोशन था। आज की जनरेशन को संडे का इंतजार गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए रहा, लेकिन हमारी जनरेशन संडे का इंतजार शक्तिमान की वजह से करती थी। और पॉपुलैरिटी की हद देखिए, पहले शक्तिमान सैटरडे दोपहर और मंगलवार देर रात आता था। देर रात तक जागना उस वक्त का कल्चर था नहीं, तो बच्चे स्कूल से बहाना मारकर सैटरडे को स्कूल बंक करने लगे। पॉपुलर डिमांड पर मुकेश खन्ना और दूरदर्शन को ये शो संडे को शिफ्ट करना पड़ा। जिन्होंने शक्तिमान नहीं देखा है वो इसका क्रेज इसी बात से समझ सकते हैं कि क्या लेवल का क्रेज था। अब ये क्रेज वापस आएगा या नहीं आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन शक्तिमान वापस आ रहा है। इंडिया का आज तक का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो शक्तिमान बड़े पर्दे पर वापस आ रहा है। 3 फिल्मों की ये सीरीज होगी और इसमें शक्तिमान का किरदार निभाएंगे रणवीर सिंह। अब जाहिर सी बात है, जो शक्तिमान का किरदार निभा रहा है वो गंगाधर का भी किरदार निभाएगा। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे मलयालम सुपरहिट फिल्म मीनल मुरली के डायरेक्टर बेसिल जोसेफ, और इसको लिखेंगे भी उसी फिल्म के राइटर्स अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू। साथ देंगे टीवीएफ का गुल्लक लिखने वाले दुर्गेश सिंह। फिल्म की स्क्रिप्टिंग इस साल के आखिर तक खत्म हो जाएगी और फिल्म की शूटिंग 2025 तक खत्म हो जाएगी। 2026 के किसी बड़े फेस्टिवल पर इसको रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। आपको लगेगा यार अभी तो 2 साल का इंतजार है, लेकिन इससे पहले रणवीर को डॉन 3 और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में भी करनी है। चलो कोई नहीं, इंतजार कर लेंगे हम तो। हमने तो शक्तिमान का भी इंतजार बहुत किया था 1997 से चलते चलते 2005 में जब ये सीरियल खत्म हुआ तो ऐसा लगा अचानक से बचपन खत्म हो गया, लेकिन अब बचपन दोबारा जीने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि रणवीर सिंह इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस है। वो सुपर हीरो भी लगते हैं और गंगाधर का रोल भी बहुत परफेक्टली निभाएंगे। मैं तो उनकी आवाज में एक बार फिर से गंगाधर का पूरा नाम, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री, ये सुनने के लिए तैयार हूं। तमराज किलवेश, डॉक्टर जयकाल और कपाला जैसे विलन भी वापस लौटेंगे, और अब की बार तो बढ़िया VFX के साथ। कभी कभी पुराना शक्तिमान देख लेता हूं जो अभी भी OTT पर है, तो लगता है कि ये क्या VFX है जिसमें शक्तिमान को फ्लॉपी लगाकर कंप्यूटर के अंदर डाला जा रहा है और फिर प्रिंटर से उसे बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन उस टाइम पर यही सब बहुत कूल लगता था। बचपन भी बढ़िया चीज होती है दोस्त। खैर, आप इस अनाउंसमेंट से कितने एक्साइटेड हैं या मैं अकेला ही बोराया हुआ हूं, कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी बताना कि गीता विश्वास का किरदार किसको निभाना चाहिए। रणवीर की पिछली फिल्म में आलिया भट्ट भी जर्नलिस्ट ही बनी थी, वरना मेरे हिसाब से तो दीपिका पादुकोण भी सही चॉइस है। एक और बहुत जरूरी बात, नॉस्टैल्जिया के लिए ना फिल्म का टाइटल ट्रैक विनोद राठौर को गाना चाहिए। आपको जो सही लगे वो कमेंट करके बताना, और हम आपसे मिलेंगे कल एक और कड़क वीडियो के साथ। बस आप चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। जय हिंद।